सो टुडे वी विल स्टडी मोड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मोड होता क्या है? मोड एक्स की वो वैल्यू होती है जिसके कारण जो एफ एक्स है वो हमें ग्रेटेस्ट मिले। मोड हमें कब मिलता है? अगर उस एक्स की वैल्यू के लिए हमारा एफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल आए एंड एफ एक्स का सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो से स्मॉलर आए। अब हम जानते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एफ एक्स हमारा ये है। हमें इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है मोड निकालने के लिए। ओके, सो फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमें पहले चाहिए एफ डेरिवेटिव एक्स, उसे हमें ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। हमें जस्ट इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव निकालने से पहले हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे। हमारे पास इधर हमने लॉग लिया लॉग ऑफ एफ एक्स, इधर हमने लॉग लिया तो हमारे पास क्या आएगा? लॉग वन अपॉन सिग्मा रूट टू पाई एक्सपोटेंशियल। सो हमारे पास ये आ गया। अब सपोज ये हमारा m है एंड ये एक्सपोटेंशियल के अंदर जो भी है ये हमारा n है। क्योंकि हमें फॉर्मूला मालूम है लॉग के अंदर अगर कभी भी दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो वो किसकी इक्वल आ जाती हैं? लॉग ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड प्लस लॉग ऑफ द सेकंड टर्म। सो हमारे पास भी सेम आ जाएगा लॉग, हमारे पास आ गया लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकंड टर्म। अब हम जानते हैं कि लॉग एंड एक्सपोटेंशियल एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो लॉग के साथ एक्सपोटेंशियल कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा लॉग वन अपॉन सिग्मा रूट टू पाई प्लस, यहाँ पर माइनस बाहर निकलेगा, सो माइनस वन बाय टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा होल स्क्वायर। बस अब ये हमारे पास था एफ ऑफ एक्स। हमें चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव, हम फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो को इक्वल लिखना है। अब हम क्या करेंगे? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे एफ डेरिवेटिव एक्स। दिस इज़ ये पूरी की पूरी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है ज़ीरो। यहाँ पर आ गया ज़ीरो माइनस कॉन्स्टेंट एज इट इज़ पड़ा रहेगा, हमें इसकी डेरिवेशन करनी है। पावर आगे आ जाएगी टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। एंड अब अंदरली चीज़ की डेरिवेशन क्या होगी? अंदर देखिए हमारे पास है एक्स डिवाइड बाई म्यू माइनस एक्स डिवाइड बाई सिग्मा माइनस म्यू बाई सिग्मा। अब ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसकी तो ज़ीरो आ जाएगी। एक्स डिवाइड बाय सिग्मा की आएगी वन बाय सिग्मा। हमारे पास आ गया वन बाय सिग्मा, टू के साथ टू कैंसिल, हमारे पास आ गया माइनस वन बाय सिग्मा, अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आएगा माइनस वन एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा की स्क्वायर। देखिए इस तरफ हमारे पास लॉग ऑफ एफ एक्स था ना, हमने इधर तो डिफरेंशिएशन कर दी। अब अगर इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग ऑफ एफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी? नीचे वन अपॉन एफ एक्स, साथ में आ जाएगी एफ एक्स की डिफरेंशिएशन। ये तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें चाहिए अकेला एफ डेरिवेटिव एक्स। हम लिखेंगे एफ डेरिवेटिव एक्स, एफ एक्स उधर चला जाएगा, एफ एक्स इधर आ गया और जो इधर पड़ा था दैट इज़ माइनस एक्स माइनस न्यू डिवाइड बाई सिग्मा की स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एफ डेरिवेटिव एक्स। अब हमें इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। ओके, अब हमने अगर इसको ज़ीरो के इक्वल पुट किया मीन्स हमें इस टर्म को ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। अब ये टर्म ज़ीरो कब होगी? या तो पॉसिबल है ये ज़ीरो के इक्वल हो या फिर ये ज़ीरो के इक्वल हो। ओके, अब अगर हम देखें, अगर अगर हमारा एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा स्क्वायर ज़ीरो के इक्वल कब होगा? अब सिग्मा स्क्वायर को उधर ले जाएंगे वो ज़ीरो हो जाएगा, हमारे पास आएगा एक्स माइनस म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट हमारे पास एक्स किसके इक्वल आ गया? म्यू के। ये हमारा क्या है? ये है हमारा मोड। मोड के लिए हमारा एक सेकंड पॉइंट भी होता था कि जो हमारा डबल डेरिवेटिव हो एक्स का वो हमेशा ज़ीरो से स्मॉलर होना चाहिए। अब हम निकाल कर देखेंगे, अगर वो ज़ीरो से स्मॉलर आता है एक्स एक्स की वैल्यू के लिए तो हम कहेंगे कि ये एक्स की वैल्यू म्यू हमारा मोड है। हमारे पास एफ डेरिवेटिव एक्स ऊपर कितना था? माइनस एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा की स्क्वायर। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, मींस हमें चाहिए एफ डबल डेरिवेटिव एक्स। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है। हम दोनों साइड अगर डिफरेंशिएशन करें, इस साइड आ जाएगा एफ डबल डेरिवेटिव एक्स और इधर क्या होगा? दोनों तरफ एक्स के फंक्शंस हैं, हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं।
दैट इज़ माइनस बार का बाहर रह जाएगा. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन की डिफरेंशिएशन, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, वन पॉन सिग्मा स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, ये कॉन्स्टेंट है. एंड एक्स माइनस म्यू की डिफरेंशिएशन क्या होगी, कुछ भी नहीं. सो यही आ जाएगा हमारा. नेक्स्ट है हमारा, फिर हम लिखेंगे प्लस. अब फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन दैट इज़ एफ डेरिवेटिव एक्स, एंड सेकंड फंक्शन एज इट इज़ दैट इज़ एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा की स्क्वायर. अब ये हो गया हमारे पास एफ डेरिवेटिव एक्स. अब ये जो आया है हमारे पास, इसमें हम एफ डेरिवेटिव एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि ऊपर पड़ी है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स वन बाय सिग्मा स्क्वायर प्लस एफ डेरिवेटिव एक्स की वैल्यू है हमारे पास माइनस एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा की स्क्वायर. अब हम इससे एफ एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं दोनों तरफ से. अगर हमने एफ एक्स कॉमन निकाला, हमारे पास आ जाएगा माइनस बाहर वन अपॉन सिग्मा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस म्यू की स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू सिग्मा की पावर फोर. अब हमें एफ डेरिवेटिव एक्स निकाल लिया. अब हमें एफ डेरिवेटिव एक्स की वैल्यू देखनी है एट एक्स इज इक्वल टू म्यू. सो हम लिख सकते हैं एफ डेरिवेटिव एक्स एट एक्स इज इक्वल टू म्यू. अब देखिए हमें जस्ट यहाँ पर म्यू में पुट करना है. सो हम एट एक्स इज इक्वल टू म्यू, हमने एक्स की जगह म्यू पुट करना है. अंदर आएगा वन पॉन सिग्मा की स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ पर हम एक्स की जगह म्यू पुट करेंगे सो हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो. ये टर्म तो हमारी बन गई ज़ीरो. हमारे पास क्या बचा, माइनस एफ ऑफ यू अंदर बचा वन पॉन सिग्मा की स्क्वायर. अब एफ ऑफ यू भी अगर हम लिखें तो उसमें भी क्या होगा, एक्स की जगह बस यू यू पुट करना है. दैट इज़ वन बाय सिग्मा रूट टू पाई एक्स पोटेंशियल के अंदर हमारा आएगा माइनस वन बाय टू. एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा म्यू माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा की स्क्वायर. अब ये है हमारा ज़ीरो, ये ज़ीरो बन गया. एंड ई रेस टू पावर ज़ीरो क्या होती है, ई रेस टू पावर ज़ीरो होती है वन. सो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर ज़ीरो होती है वन, मतलब मींस ये सभी है जो ये वन की इक्वल आएगा. हमारे पास आ गया माइनस वन बाई सिग्मा रूट टू पाई. अब हम जानते हैं ये रूट में है, इसकी वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगी. अब ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा. सो बाहर क्या पड़ा है, माइनस. ये टर्म हमेशा ही ज़ीरो से स्मॉलर होगी. हमारी दोनों कंडीशंस हो गई सेटिस्फाई. दैट इज़ एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो की हमने पहले पुट किया, एंड देन सेकेंड डेरिवेटिव को एट एक्स इज इक्वल टू म्यू हमने स्मॉलर दिखा दिया कि वो ज़ीरो से है. सो इसलिए हम मालूम पड़ गया कि एक्स इज इक्वल टू म्यू ही हमारा मोड है.